राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 में सीधी रीवा सीमा पर निर्माणाधीन मोहनिया टनल का निर्माण कार्य 2 महीनों बाद जुलाई में पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये सौगात लोकार्पण के जरिए मिलेगी। टनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वर्तमान में फिनिशिंग और सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही छोटे छोटे कार्य ही बचे हैं। इस टनल के प्रारंभ हो जाने के बाद सीधी से रीवा की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा वाहनों को मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ और चढ़ाई से भी राहत मिल सकेगी। वाहनों के लिए घाटी से गुजरने में अभी 30 मिनट का समय लगता है। टनल के आरम्भ हो जाने पर 5 मिनट में ही मोहनिया पहाड़ की दूरी तय हो जाएगी। अभी सीधी से रीवा की दूरी 82 किलोमीटर है, लेकिन टनल के बन जाने के बाद ये दूरी 75 किलोमीटर हो जाएगी। आपको बता दें कि रीवा सीधी 2 लेन सड़क प्रोजेक्ट में मोहनिया टनल के पूर्ण होने का समय मार्च 2023 तक निर्धारित, लेकिन इस निर्माण एजेंसी तय समय से 8 महीने पहले ही प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य हासिल कर लेगी। टनल निर्माण के बाद इन दिनों फिनिशिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है। अगले महीने से टनल के भीतर सीसीटीवी कैमरे, पंखे और फायर फायरिंग जैसे अगले महीने से टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरे, पंखे, फायर और फायरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसके साथ ही टनल के भीतर अत्याधुनिक लाइटिंग भी लगाई जाएगी। इन सभी कार्यों में 2.5 से 3 महीने का समय अभी और लगेगा। टनल के दोनों ओर अप्रोच रोड का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया था। मोहनिया टनल प्रोजेक्ट जुलाई महीने के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद बताई गई है। इसके लिए नोडल एजेंसी NHAI नियमित रूप से निर्माणाधीन टनल की मॉनिटरिंग कर रही है। मोहनिया टनल में लगभग 10 किलोमीटर की नाली का निर्माण किया जा रहा है। नाली फाइन लैग कंक्रीट से बन रही है। दरअसल बारिश के दौरान सीपेज से टनल के भीतर पानी ना भरे, इसके लिए टनल की लंबाई के अनुसार दोनों ओर नालियां बनाई जा रही हैं। फाइन लैग कंक्रीट में सीमेंट और गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, रेत इसमें नहीं मिलाई जा रही है, जिससे नाली का पानी छनकर नाली से आएगा और फिर पानी को बड़े से गड्ढे में ले जाकर उसका शुद्धिकरण कर दिया जाएगा, जिसके बाद गड्ढे से पानी को छोड़ दिया जाएगा, जिससे जमीन में जल का स्तर भी बना रहे। मोहनिया टनल प्रोजेक्ट की लागत 1004 करोड़ है। यहाँ 3 लेन की 2 टनल है। एक टनल की चौड़ाई 13.5 मीटर है। मसलन एक टनल में से एक तरफ से 3 वाहन एक साथ गुजर सकते हैं। दोनों टनल के बीच 3 जगहों पर इंटरपासिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे टनल के अंदर जाने के बाद वाहन बीच से वापस लौट सके। वहीं दोनों टनल की लंबाई 2.29 मीटर है। टनल के बाद सीधी की ओर से 12.5 मीटर और रीवा की तरफ से 500 मीटर की अप्रोच रोड है। टनल को पूरी तरह से आधुनिक विधि से निर्मित कराया जा रहा है, जिससे टनल को बहुपयोगी बनाया जा सके। टनल के निर्माण के दौरान ही इस बात का ख्याल रखा गया था कि भविष्य में वाहनों की संख्या काफी ज्यादा होने के बाद भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।